तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटेक आर के। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एक न्यू डेमियम स्पीकर का, जो कि दोस्तों 400 वाट का स्पीकर है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट स्पीकर है दोस्तों, और लाइट वेट होने के साथ साथ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसका अफोर्डेबल प्राइस है अगर हम इसे। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों इस स्पीकर का, जो कि दोस्तों क्यूब कंपनी का स्पीकर है, क्यूब प्रोफेशनल लाउड स्पीकर, जो कि 15 इंच का स्पीकर है, न्यू डेमियम स्पीकर है। और इसका वेट दोस्तों काफ़ी कम है और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम लोग इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे स्पीकर में हमें क्या क्या खास बातें देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों इस स्पीकर के बॉक्स में आप देख सकते हैं क्यूब कंपनी के जितने भी स्पीकर हैं, यहाँ पे सारे स्पीकर के मॉडल नंबर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं इस वाले स्पीकर को, ये स्पीकर कैसा देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, मतलब कि दोस्तों मैं इस स्पीकर को एक बार पहले से ही अनबॉक्सिंग कर चुका था, इसलिए आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग बॉक्स को साइड कर लेते हैं और स्पीकर को निकालते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इसका कोन देख सकते होंगे दोस्तों, काफ़ी सॉफ्ट कोन है। इस वाले कोन को ग्लास कोन कहा जाता है। और इसका जो डस्ट कैप देख रहे होंगे दोस्तों, मशीनरी स्टील डिस्क का डस्ट कैप है, 3 इंच का इसमें वॉइस कॉइल लगा हुआ है। बाकी दोस्तों ये जो स्पीकर है दोस्तों इम्पोर्टेड स्पीकर है और काफ़ी अच्छा इसमें मिड फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, मिड बेस के लिए एक अच्छा स्पीकर है। आप चाहे तो इस स्पीकर को टॉप में भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस स्पीकर को लाइनर में भी लगा सकते हैं, दोनों जगह काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। और इसमें जो मैग्नेट लगा हुआ है दोस्तों, 75 mm का न्यू डेमियम मैग्नेट लगा हुआ है। और इसका जो लुक और डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों इस वाले स्पीकर का प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इस वाले स्पीकर को लेना चाहते हैं तो मैं ख़रीदने के लिए भी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इस वाले स्पीकर को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्पीकर है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इसे एक हाथ से भी उठा सकता हूँ। इस वाले स्पीकर का वेट दोस्तों मुझे लगता है एक मिक्सर का वेट होता है, लगभग उससे भी कम इसका वेट है। तो अगर आप इस वाले स्पीकर को किसी टॉप या फिर लाइनर में लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हल्का आपका टॉप और लाइनर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर कुछ होल देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दिया गया है, जिसके कारण इस वाले स्पीकर में जो वॉइस कॉइल लगा हुआ है वो जल्दी से गर्म ना होगा और फिर जल्दी ख़राब भी ना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं डीजे से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।